हेलो दोस्तों, आज फिल्म रिव्यू करेंगे गुलाबो सिताबो। फिल्म का मुख्य किरदार है मिर्ज़ा, जो अपनी हवेली में रहने वाले सभी किराएदारों से परेशान है। 78 साल का है, किराया लेता है 30 रुपये महीना, जो कि बहुत कम है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए कभी वो किराएदारों के बल्ब चुराता है, कभी साइकिल की घंटियाँ, तो कभी गमले। पर सबसे ज़्यादा दिक्कत उसे एक किराएदार से है, जिसका नाम है बाके, जिसने 4 महीने से उसका किराया नहीं दिया। बाके कहानी का दूसरा सबसे मेन कैरेक्टर है। अब आप सोचेंगे कि दोनों मिर्ज़ा है और बाके है, तो फिल्म का नाम गुलाबो सिताबो क्यों है? फिल्म शुरू होते ही एक कठपुतलियों का खेल दिखाने वाला खेल दिखाता है और उसमें गाने गाता है, जिसमें उसकी 2 कठपुतलियाँ होती है, एक का नाम होता है गुलाबो, एक का नाम होता है सिताबो, और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी लड़ती रहती है। तो ये कहानी असल में मिर्ज़ा और बाके, मतलब गुलाबो सिताबो ही है। बाके और मिर्ज़ा में बिल्कुल भी नहीं बनती। बाके कभी मिर्ज़ा को मारने की धमकी देता है, कभी बुढ़ा कह देता है, कभी तू तड़क कर देता है, पर ये सब फिल्म में मजाकिया ढंग से दिखाया गया है। हमारे एक बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ एल्यूमिनियम की हंडिया पड़ी थी, वहाँ मिर्ज़ा की चप्पलें पड़ी थी, यहाँ 2 बकरियाँ बांध रखी हैं, साला हमारा बल्ब मेरा निकालने के लिए। सैयद के साइकिल की घंटी भी गायब है। अरे बचती कहाँ थी आपकी घंटी? अरे तुम चाय पिलाओ, खाम खा इनकी उल जुलूल बातों को तवज्जो ना दो। अरे हमारा बल्ब चोरी हो गया, उलूल जुलूल बात है ये? अरे बल्ब ना चोरी हुई, निगोड़ी जायदाद चोरी हो गई। इनकी जायदाद वाली सूरत कहाँ? अरे जिस दिन नेहरू जी आए थे, उस दिन चोरों ने बड़ा गोल गपाला मचा रखा था, उसी में से किसी टुस पूंजिया चुरा लिया होगा इनका बल। सही कहा बेगम, जरूर कोई टुट पूंजिया टुच्चा चोर ही होगा, जो हमारे सामान को 2.5-3 रुपए में नकास में बेचा था। दिन गिनती कर रहे हैं उसके, बता रहे हैं हम। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बाके की एक लाश से टॉयलेट की पुरानी दीवार गिर जाती है और मिर्ज़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने चले जाता है। वहाँ सबको ये पता चल जाता है कि फातिमा महल का असली मालिक मिर्ज़ा नहीं, बल्कि उनकी पत्नी फातिमा बेगम है। फातिमा बेगम का एक स्पेशल कैरेक्टर है जो आपको बहुत पसंद आएगा, ये रोल फारूक जफर ने किया है। इसके बाद महल के पीछे पुरातत्व विभाग और एक बिल्डर पड़ जाते हैं और इन सब के बीच में फंस जाते हैं मिर्ज़ा और बाके। कुछ बातें करते हैं फिल्म के एक्टर्स के बारे में। मिर्ज़ा का रोल किया है अमिताभ बच्चन ने, जो इस लुक में कमाल के लग रहे हैं। बाके का रोल किया है आयुष्मान खुराना ने। आयुष्मान खुराना अमिताभ के सामने टिके हुए स्टेडी लग रहे हैं, और ये रोल अमिताभ बच्चन के सामने सिर्फ आयुष्मान ही कर सकते थे। आयुष्मान का रोल अमिताभ बच्चन के रोल से छोटा है, पर बढ़िया है। साथ ही फिल्म में विजय राज भी है, इन्हें भी बहुत दिनों के बाद एक अच्छा रोल करने मिला है, और इन्होंने ऑर्कोलॉजिस्ट का रोल बहुत बढ़िया ढंग से किया है। और साथ में विजेंद्र काड़ा, जो वकील के रोल में कमाल के लग रहे हैं, इनकी भी जगह जगह पर कॉमेडी देखी जा सकती है। बात करें फीमेल कैरेक्टर की, तो फीमेल लीड में कोई यहाँ पर बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, या फिर कोई फीमेल लीड का रोल भी नहीं इस फिल्म में। एक कैरेक्टर है जो कि सृष्टि श्रीवास्तव ने किया है, जो कि आयुष्मान खुराना की बहन है फिल्म में, उनका रोल काफ़ी बढ़िया है। फिल्म को डायरेक्शन दिया है विक्की डोनर और पिकू के डायरेक्टर सोजित सरकार ने। अब आखिरी बात कि फिल्म कैसी है। फिल्म के सारे लोकेशंस जो है वो सब रियल है, डायरेक्शन कमाल का है, सारे कैरेक्टर अपने रोल में बंधे हुए हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि किसी ने भी ओवर एक्टिंग की है। साफ सुथरी कॉमेडी और फैमिली के साथ देख सकते हैं। फिल्म में अगर थोड़ी ज़्यादा कॉमेडी और बढ़िया गाने होते तो फिल्म में मज़ा आ गया होता। मेरी तरफ से फिल्म को 3.5 स्टार, 1 स्टार अमिताभ बच्चन के लुक के लिए, 1 स्टार आयुष्मान खुराना के लिए, 1 स्टार डायरेक्शन और रियल लोकेशंस के लिए, और आधा स्टार फिल्म की बाकी स्टार कास्ट के लिए। थैंक यू।